आप सब लोग आज बहुत महत्वपूर्ण मौके पर यहां मौजूद हैं और हम अपनी बात शुरू करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आपका जोश टेस्ट हो जाए। सिरसा बांध तैयार हो तो एक बार बंद मुट्ठी करके हाथ ऊपर उठा के सारे साथी मेरे साथ भारत माता का नारा लगाइएगा। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। यही इलाज है कांग्रेस बीजेपी वालों का और इन्हें बीजेपी वाले को यही इलाज है। जब जब भारत माता का इंकलाब का नारा जोश के साथ लगाओगे तब तक जितने भी देश के गद्दार हैं, भ्रष्टाचारी हैं, लुटेरे हैं, तब तक अपने बिलों में जाके छुप जाएंगे। इसलिए बुलंद आवाज में जब हम भारत माता का नारा लगाते हैं तो सीने के अंदर ये जज्बा होता है जो शहीद भगत सिंह जी के अंदर था कि अगर जान जाए तो जाए, मेरा देश सुधरना चाहिए, मेरा देश सबसे आगे होना चाहिए। वो जज्बा लेके आज इस इंकलाब की धरती पर आज हम एक ऐसी योजना बनाने पहुंचे हैं। मैं सबसे पहले आप सारे कार्यकर्ता साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने एक बहुत बड़ा पड़ाव पार कर लिया और वो सबसे बड़ा पड़ाव क्या था, ये बड़ी बड़ी पार्टियां भी घबराती हैं, कहती हैं संगठन कैसे बनेगा, संगठन कैसे बनेगा, संगठन कैसे बनेगा। संदीप पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी मेहनत को सलाम कि आप लोगों ने एक एक गांव में 21-21 मेंबर की कमेटी खड़ी कर दी। ऐसा संगठन हरियाणा में ना किसी पार्टी का पहले हुआ ना आगे हो सकता, किसी पार्टी का नहीं हो सकता। इसलिए अब ये काम तो पूरा हो गया संगठन का, अब लड़ाई लड़नी है 24 में हरियाणा में सरकार बनाने की। करो या मरो वाली लड़ाई है, जिनको पीछे हटना हो, जिनको रास्ता ढूंढना हो अभी ढूंढ लेना, क्योंकि इसके बाद तो बॉर्डर पार करके हम सरकार के इलाके में घुसने वाले हैं और बॉर्डर पार करने के बाद पीछे नहीं देखा जाता। बॉर्डर पार करने के बाद या तो सीने पे गोली लगेगी या फिर तिरंगा फहराता है, दो ही काम होते हैं। तो 2024 से हरियाणा में हमारी सरकार बने, इसके लिए जी जान से मेहनत करने का समय आ गया है। इसके लिए बड़े बड़े आंदोलन जो आगे आम आदमी पार्टी हरियाणा में करेगी उनमें खून पसीना बहाने का समय आ गया है। आप सबको मेहनत की इंतहा तक मेहनत करनी पड़ेगी, तब 2024 में सरकार बनेगी, आम आदमी की सरकार बनेगी। और मैं एक चीज, चूंकि आप जिस इलाके से आते हो ये बिल्कुल पंजाब बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, मैंने कलबियांवाला ने यह बात कही थी, मैं आपके सामने दोहराता हूं, आज तक जो राजनीति हुई हरियाणा के अंदर वो हरियाणा और पंजाब को लड़ाने की राजनीति हुई। ऐसा माहौल तैयार करते हैं जैसे हम भारत पाकिस्तान हैं, जैसे पंजाब हमारा बड़ा भाई ना हुआ, जैसे कोई दुश्मन मुल्क हो गया। हरियाणा पंजाब को पिछले 56 सालों से ये लोग लड़ाते हुए आए हैं, कोई फायदा नहीं हुआ उस लड़ाई का आज तक, कोई फायदा नहीं, छोटा सा भी फायदा उस लड़ाई का नहीं हुआ। 56 साल से ऐसे मुद्दों को इन्होंने उभार रखा है, कहते हैं पंजाब नहीं हमें ये नेता, पंजाब कहता है हरियाणा के साथ ये बात नहीं हो सकती, हरियाणा कहता है पंजाब के साथ ये बात नहीं हो सकती। 56 साल तक इन्होंने पंजाब और हरियाणा को लड़ाने की राजनीति की और उस राजनीतिक आग के ऊपर अपनी रोटियां सेकी इन सारे राजनीतिक दलों ने। अब हमको क्या करना है, हमको इन लाइनों से कुछ सबक सीखना है। मैं दोहराता हूं आपके बीच में, लीक लीक टायर चले, लीक ही चले कपूत, बिना लीक चारों चले, दर्शन शायर सिंह सपूत। हमको अपनी नई लकीर बनानी है, हमको इनकी दी हुई राजनीति पर नहीं चलना। अरविंद केजरीवाल जी ने हिंदुस्तान के अंदर काम की राजनीति की एक ऐसी लकीर खींच दी जो अब 75 साल के इतिहास में हमारे आजादी के बाद से इतनी पार्टियां हुई, इतने नेता हुए, लेकिन कोई भी ऐसी लकीर नहीं खींच सका। इसी तरीके से
हमको हरियाणा के अंदर राजनीति की नई लगीर खींचनी है। क्या है वो नई लगीर? हरियाणा और पंजाब एक साथ मिलके जब लड़ेंगे, जब एक दूसरे को भाई मान के आगे चलेंगे, तो हमने उदाहरण देखा किसान आंदोलन के दौरान, हरियाणा और पंजाब के किसान एकजुट हुए, एक साथ सड़क पे बैठे, तो अहंकारी मोदी सरकार को घुटनों के बल ला दिया। इसी तरह से अगर हरियाणा और पंजाब मिलकर राजनीति करेंगे, अगर हरियाणा और पंजाब मिलकर एक दूसरे के साथ प्यार से आगे बढ़ेंगे, तो पंजाब और हरियाणा दोनों प्रदेशों की तरक्की हो सकती है। ये हमारी नई लकीर है। हम हरियाणा और पंजाब को एक साथ लेके चलेंगे, दो भाइयों को एक साथ लेके चलेंगे और नई लकीर हरियाणा की राजनीति में खींचेंगे। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत के दिखाएंगे। तो आप सब लोग तैयार हो जाइए इस लड़ाई के लिए। आज चूंकि भाई संदीप पाठक जी आप लोगों को आगे की पूरी रणनीति समझाने के लिए आए, हम बहुत बार मुखातिब होते रहते हैं, आज वो आपको सारी रणनीतिक बातें बताएंगे, इसलिए मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए आप लोगों से बस एक बार आपसे आश्वासन चाहता हूं कि खून बहाते बहाते, पसीना बहाते बहाते अगर खून बहाना पड़े और खून और पसीना अगर निकल जाए हमारा, तब भी क्या आप तैयार हो 2024 में सरकार बनाने के लिए दोनों हाथ उठाकर मुझे बता दीजिए। ये सारे लोग संदीप भाई तैयार हैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए, अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए। तो इसलिए अब इस लड़ाई का आगाज, इस लड़ाई का शंखनाद आज यहां से हो रहा है। हम सब ने संगठन बना लिया, अब खुल के राजनीति करने का वक्त है। ऐसी राजनीति करो कि कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो और जेजेपी वाले सारे अपनी राजनीति भूल जाएं। आप लोगों ने शुरुआत की थी बहुत अच्छी, जिला परिषद के चुनाव में आपने ऐसा इतिहास रचा, जिला परिषद की 6 सीटें जीतना इतिहास नहीं था। कई साथी ये सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट 6 सीटें जीत के हासिल की, ना वो भी एक आपकी अचीवमेंट थी, लेकिन उससे बड़ा इतिहास क्या था? उससे बड़ा इतिहास ये था कि इनके गढ़ में, जिसको ये अपना गढ़ बताते हैं, उस गढ़ में बैठ के पैसा लगा के, अपनी गुंडागर्दी लगा के हमारे 6 जिला पार्षदों को इतना सा भी हिला नहीं पाए। इधर से ये थी आपकी असली जीत, ये करके जो आपने दिखाया उससे इतिहास रचा। और इसी से ये घबराते हैं, सिरसा में आज के दिन में आप सबसे मजबूत विपक्ष हो और आने वाले 2-4 महीने के अंदर सिरसा में आप ही लोगों का तूती बोलेगी, आप ही लोगों का राज होगा। सिरसा के अंदर लोगों के दिलों को जीतो, लोगों के दिलों पर राज कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने ध्यान से मेरी बात को सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि आज संदीप पाठक जी से सारी रणनीति, सारी बातों को समझ के उसको जमीन पे उतारने के लिए आप लोग पूरी मेहनत करेंगे, पूरा दम लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।